जनपद रुद्रप्रयाग में लगातार दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इजाफा हो रहा है, तो वहीं डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग के चलते जहां पारंपरिक किसान तरक्की कर रहे हैं, तो वहीं जिले में कई नए डेयरी व्यवसाय भी स्थापित हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और दुग्ध विकास विभाग के मार्गदर्शन में रुद्रप्रयाग के तीनों विकास खंडों में प्रति वर्ष नए किसान दुधारू पशुओं की खरीद कर अपनी आजीविका में सुधार ला रहे हैं। इसी क्रम में NCDC योजना के तहत डेयरी विकास विभाग किसानों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ रहा है। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक श्रवण कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में NCDC योजना के तहत डेयरी विकास विभाग किसानों को मवेशी खरीदने, उनका व्यवसाय स्थापित करने में पूरा सहयोग कर रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, इस समय जो हम पिछले 3 सालों की देखा जाए और अब तक हमने 61 जो है गौशाला यहाँ पे जो है 2 दुधारू पशु, 3 दुधारू पशु और 5 दुधारू पशु इकाई स्थापना के लिए हमने 61 गौशालाएं यहाँ पे स्थापित कराई हैं। और एक एक लाभार्थी अगर मैं बात कहूँ, बहुत अच्छा जो है लाभार्थी प्राप्त कर रहे हैं इससे, क्योंकि अनुदान पे भूसा, चारा, दाना उपलब्ध है, कैल्शियम मिनरल मिक्सचर उपलब्ध है, और हमारे यहाँ जो पशु चिकित्सक हैं वो भी अपनी सेवाएं देते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो हमारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है उनके लिए। जनपद में अगर देखा जाए तो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में डेयरी व्यवसाय जितने भी आज रोजगार के साधन अन्य लोग अपना रहे हैं उनके अपेक्षा डेयरी व्यवसाय सबसे बेहतरीन और सबसे उत्तम है। इसमें आप जो है त्वरित रोजगार मिलता है, और जनपद में अगर देखा जाए तो प्रतिदिन मानकों के अनुसार लगभग 70,000 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ती है, तो और हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है।